नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। जो भी लोग मुझे पूरे दुनिया में किसी भी जगह से सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत बड़ा अपडेट रहेगा। यहाँ पर आपके भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल में जीडी और ट्रेड और ड्राइवर, इन तीन तरह के पोस्ट पर, अलग-अलग ट्रेड्स पर और ड्राइवर पर और कांस्टेबल जीडी पर, इन तीन तरह के लिए कांस्टेबल चाहिए छत्तीसगढ़ स्टेट में। आपको बता दूं, भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पर पुलिस विभाग में 5,900 से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी, जो कि आपकी अक्टूबर मंथ में आ गई थी। ठीक है, अब आप कहोगे हम दिसंबर में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं अक्टूबर के 20 तारीख को इसके फॉर्म स्टार्ट होने थे, हालांकि वो नहीं हुए थे। ठीक है, और वहाँ पर ये बोला गया था कि ये चीज़ आपकी पोस्टपोन करी गई थी फॉर्म्स को लेकर। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं इसमें। छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस विभाग में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है, लगभग लगभग 5,900 प्लस, यानी कि वो 6,000 के लगभग वैकेंसी यहाँ पर दी गई थी। और इसमें हरियाणा हो, झारखंड हो, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या कोई ऐसा दूसरा राज्य जो भी है या दूसरी जगह जो है भारत देश में छत्तीसगढ़ के अलावा, तो वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते थे, ये उनका एलिजिबिलिटी कंडीशन था। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बताई थी, नोटिफिकेशन डिस्कस किया था आपके साथ अक्टूबर मंथ में किया था। आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देखो। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन समझना ज़रूरी है इस पर अप्लाई करने से पहले, तो आप लोग नोटिफिकेशन देख लो, उसके बाद जाकर यहाँ आकर इस पर अप्लाई करो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, सैलरी कितनी मिल रही है, फॉर्म की डेट्स क्या है, वो तो पहले जो थी अब वो चेंज हुई है, बाकी सब सेम है। सिलेबस और बाकी सारी चीज़ें सेम है इस रिक्रूटमेंट में, जो कि हमने डिस्कस कर दी है आपके साथ, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप सबसे पहले बता दूँ, सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के भाई बहन जितने भी हैं, जो भी छत्तीसगढ़ राज्य के ही निवासी हैं या फिर उनके पास जो है डोमिसाइल है उस राज्य का, तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो, सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य। अगर आप दूसरे राज्य के होंगे, सपोज आप राजस्थान के हैं, आप वेस्ट बंगाल के हैं, आप तेलंगाना के हैं, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो, ये इनका एलिजिबिलिटी कंडीशन है। मतलब सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के लोग ही, मूल निवासी कह लो, स्थायी निवासी कह लो, निवासी कह लो, रेसिडेंस उनका वहाँ का है या डोमिसाइल उनका है, तो वही लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन है। एक बार आपको इस चीज़ को प्रूफ करके दिखा देता हूँ, कहीं आप कहो कि यार ये तो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, पुलिस विभाग में है, तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रही जॉब, ऐसा कैसे हो पा रहा है, तो ये नोटिस में लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट करके अभी आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसके लिए मैं फॉर्म भरवा के वीडियो जल्द ही आपके साथ ला रहा हूँ, तब मैं आपको फॉर्म भरवा के भी बता दूंगा इस वैकेंसी पर कि कैसे आपको इसके लिए फॉर्म भर के अप्लाई करना है। गवर्नमेंट जॉब होगी आपकी, स्टेट गवर्नमेंट जॉब होगी, पुलिस विभाग में आप कांस्टेबल होंगे, या तो आप किसी ट्रेड पर होंगे या ड्राइवर पर होंगे या फिर जनरल ड्यूटी वाले कांस्टेबल होंगे। याद रखें, ये तीनों के लिए जो अलग अलग एलिजिबिलिटी है वो आप एक बार रीड करें नोटिफिकेशन में, तभी आपको समझ आने वाला है। ठीक है, भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो रही है यहाँ पे, इस बात का सभी ध्यान रखें। थोड़ा अगर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ये वेबसाइट है, आपको यहाँ से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिस बोर्ड में वो नया नोटिस आया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा दूँ, ये देखिए, छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी बोला है इन्होंने, यानी कि आप सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के लोग ही फॉर्म भरेंगे इसमें। ये वेबसाइट का लिंक, अभी आप जो वेबसाइट देख रहे थे, यही वाली वेबसाइट का लिंक दिखाया जा रहा है। इन्होंने 20 अक्टूबर से फॉर्म चालू करने को कहा था और कह दिया था 20 अक्टूबर से हम 30 नवंबर तक फॉर्म भरवाएंगे, लेकिन हुआ क्या था दोस्तों, फॉर्म जिस दिन चालू होने थे, स्टार्ट होने थे ऑनलाइन में, उसी दिन इन्होंने आपके फॉर्म जो है से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, देख लो, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे थे ना, लेकिन इसको इन्होंने तब कैंसिल कर दिया। ठीक है, और इन्होंने अक्टूबर से हटाकर उसको ना नवंबर में करा, हमने सोचा कब आएंगे, तो ये देख लीजिए, अब सीधा ये आए, आपके फॉर्म स्टार्ट हुए, दिसंबर एंड होने पर आ रहा है, तब जाके स्टार्ट हो रही है। फॉर्म का फीस जो है 200 रुपये है, 125 रुपये SC ST राज्य के ही लोग होंगे, तो वो ये इतने रुपए पे करेंगे।
अब रिक्त पदों की संख्या एक बार आप लोग देख लो कि किस जिले में या किस इकाई के अंदर, मतलब किस जगह पर या किस जिले में कौन से पद और किस फील्ड में या ट्रेड में है, या फिर वो ड्राइवर है, जीडी है, तो कितनी वैकेंसी है वो आप देख लो। मोस्टली ज़्यादातर वैकेंसी जनरल ड्यूटीज कॉन्स्टेबल की ही आती हैं, वो आप यहाँ पे देख भी रहे हो। आपके राज्य में इस तरीके से रहता है, आप एक एक कैटेगरी वाइज यहाँ से वैकेंसियाँ समझ सकते हो सबके सभी लोग। एक बार ये सारी जानकारियाँ समझ लें, ये सारा कुछ आपका दिया हुआ है। सैलरी इसमें 19,500 रुपये से लेकर ये 60,000 तक जाती है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि इनिशियली कितना दे रहे हैं यानी स्टार्टिंग में, तो ये जॉब मिलने के तुरंत बाद ही ये आपको 20-21 हज़ार देना शुरू कर देंगे। एक समय पर ये 25,000, 30,000, 40-45 हज़ार तक देंगे। एक समय आपको 60,000 भी वो लोग सैलरी देंगे। 18 से 28 के बीच वाले लोग फॉर्म भर देना, जो लोग 1 जनवरी 2023 में 18 कंप्लीट हो गए थे, ये इनकी कंडीशंस थी। एक बार आप ये सारे पॉइंट रीड कर ले। अब देखिए, इसमें सिर्फ 10वीं पास को लिया जा रहा था इस फॉर्म पर, ठीक है, सिर्फ 10वीं पास को। आप देख लो, सिर्फ 10वीं पास को फॉर्म भरवाया जा रहा था। शारीरिक अर्हता ये है आपकी, कि अगर आपकी हाइट ये है और सीने का साइज जो है वो ये है, तो ही आप लोग फॉर्म भरोगे। तो सारी चीज़ें कि कैसे सिलेक्शन हो रहा है आपका, वो सारा आप रीड कर सकते हो। नोटिफिकेशन यही था। अब मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपका सिलेबस वाला अलग नोटिस था, सब डिस्कस हुआ था आपको नोटिफिकेशन वाले वीडियो के अंदर ही। सारे वहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह सब दे रखे हैं, आप वहाँ से एक बार जाकर देख लो, एक बार चेक कर लो, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन हो गया, और ये सिर्फ आपको एक रिमेम्बरिंग कराने के लिए दिखाया गया कि आपको रिमेम्बर रहे कि ऐसा कुछ आया था। आप वेबसाइट पर एक बार जाओगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में, तो इसको क्लिक करोगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, जो आपके साथ अभी मैंने डिस्कस किया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अभी आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। हाँ, अभी जो ये वाला नोटिस देख रहे हो ना आप, ये वाला नोटिस वही है जो बताया, ये वही ये नोटिस आपको ये बता रहा है कि आपके फॉर्म चालू हो गया, आप फॉर्म भर सकते हो। अभी आप यहाँ नोटिस बोर्ड में भी इस फॉर्म को देख पाओगे। यहाँ पर ये जो नोटिस आ रहे हैं, इन्हीं में से आपका एक नोटिस ये वाला भी है, जो एक कह रहा है नोटिस। देखिए, ये वाला नोटिस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए पुलिस विभाग के लिए जो नोटिस है, तो यही नोटिस आपके साथ डिस्कस हो रहा है। चलिए आपको दिखा देते हैं। ये आप देखो, आपका जो पुलिस मुख्यालय है, आपके राज्य का जो पुलिस विभाग का मेन है, मेन हेडक्वार्टर आप कह लो, वो आपके सेक्टर 19 के नवा रायपुर जगह पर है, जो कि अटल नगर में है। यानी नवा रायपुर जगह एक जिला है, और उधर आपका अटल नगर के अंदर सेक्टर 19 में आपका मेन ये हेडक्वार्टर है पुलिस का, जो पूरे राज्य में ऑपरेट कर रहा है। आपको बता दूँ, छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक यानी कांस्टेबल के लिए कह रहे हैं ये, आपकी 5,967 वैकेंसी टोटल दी थी। यानी आप देख लो कि लगभग लगभग 6,000 के करीब लोगों को यहाँ से जॉब मिल रही है, जो कि एक बड़ी रिक्रूटमेंट है। बड़े लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, जॉब मिल जाएगी, उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी अगर वो क्वालिफिकेशन रख रहे हैं। आपको एक और चीज़ बता दूँ, इनका फॉर्म जो है वो इनका नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर को आया था, आपके साथ डिस्कस हो गया था उसी समय पर, और उसी 4 अक्टूबर वाले नोटिस को अभी आपको दिखाया गया था, जिसमें ये बोला गया कि 20 अक्टूबर से आप फॉर्म भरोगे 30 नवंबर तक, यानी 40 दिन का समय दे रहे थे ऑनलाइन फॉर्म भरने में, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया था। आप एक बार यहाँ पर देख लो, मैं रीज़न अभी क्लियर करने वाला हूँ आपको, क्यों उस टाइम उस समय पे कैंसिल हुआ था या पोस्टपोन हुआ था। और पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के जो यहाँ पर कॉन्स्टेबल के अंदर वैकेंसी में रिक्रूटमेंट हो रही थी इतनी वैकेंसियों पर, को अब इन्होंने नए डेट्स के साथ बता दिया है कि ऑनलाइन फॉर्म आप कब से कब तक भरोगे। तो ऑनलाइन फॉर्म आप 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक फॉर्म भरोगे। आप देख लो, ये सेकेंड मंथ है, इसका मतलब फेब्रवरी, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको अब 40, पहले 40 दिन का समय दिया जा रहा था, वहीं अब आपको अब 45 दिन का समय दिया। देखिए, अब इनके पास क्यों इतना समय दे दिया गया, क्योंकि अब ये सब ओपन है, अब इनके पास टाइम ही टाइम है। जो क्योंकि देखिए, जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस की जो जॉब होगी वो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब होगी, और छत्तीसगढ़ में अब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है। आपको बता दूँ कि अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी VJP की पार्टी की वहाँ पर गवर्नमेंट है अब 2024 में, आपको पता ही होगा। तो इस हिसाब से आप देख लो कि आपके राज्य में अब जो वैकेंसी फिल हो रही है, वो नई रिक्रूटमेंट जो होगी वो अब न्यू गवर्नमेंट ने आने के बाद इसको स्टार्ट करवाया है।
ठीक है, इसी वजह से थोड़ा डिले हुआ था, यही इनका कारण था। अगर आप कहोगे कि यहाँ पर जो 20 अक्टूबर से फॉर्म चालू होने थे वो नहीं हुए, नवंबर भी पूरा चला गया फॉर्म चालू नहीं हुए, क्योंकि आपको पता है नवंबर एंड और नवंबर मंथ पूरा इलेक्शन के समय उसमें चला गया, और उसके बाद फिर रिजल्ट आए, और उसके बाद फिर न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद आपको अब जाके नोटिफिकेशन की जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो देखने को मिल रही है। अब ये कन्फर्म्ड है, इसमें चेंज बिल्कुल नहीं होगा, यही डेट पर फॉर्म आपके भराए जाएंगे, क्योंकि अब उनको समय ही समय है, अब आपके पास उनको समय ही समय है, अब वो जितने मर्जी समय लेकर इसको फॉर्म भरा सकते हैं। ठीक है, पहले उनके पास ऐसा था कि उनका अभी उन्होंने इसलिए बीच में रोक दिया था उसको, जिससे कि पहले एक बार इलेक्शन वाला सारा प्रोसेस हो जाए, उसके बाद वो लोग डायरेक्ट ये आपके फॉर्म भरवा लें। जितनी भी रिक्रूटमेंट थी मोस्टली सभी को उन्होंने पोस्टपोन किया था, आप इस चीज़ को देख पाओगे। और आपके छत्तीसगढ़ ही नहीं, राजस्थान में भी, राज्य में भी बहुत वैकेंसी ऐसी देखी गई जिसको पोस्टपोन किया गया था, जिनके फॉर्म्स को कैंसिल किया गया था, ये सब हुआ था। ठीक है, अब आप ये देख लो कि आप 1 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो, सुबह में 10 बजे से लेकर आप 15 फरवरी के रात तक आप फॉर्म भर सकते हो, यानी आपके पास 16 फरवरी से पहले पहले तक का समय है, 16 फरवरी स्टार्ट शुरू होने से पहले पहले तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हो। तो ये आपके पास समय है, 45 दिन, एक बहुत अच्छा समय मिल जाता है लोगों को फॉर्म भरने का, और यहाँ पर तो सिर्फ राज्य के ही लोग फॉर्म भरेंगे, तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा समय है। सभी लोग फॉर्म भरे जाकर नोटिफिकेशन और सारा कुछ डिस्कस पहले से भी हो रखा है, और यहाँ भी हमने थोड़ा बहुत कर दिया है आपके साथ, तो यही आपके लिए अपडेट था। आप जाएँ जल्दी से और जल्दी जाकर इस फॉर्म को भर दें, और सैलरी सही है, 20-21 हज़ार स्टार्टिंग में है, और एक समय वो 30-40-50 हज़ार तक होने वाले हैं इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, और बेनिफिट भी हैं यहाँ पर, यहाँ पर कॉन्स्टेबल की जॉब पर सैलरी के अलावा भी बहुत बेनिफिट होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। तो ये आपको बताना था, सभी छत्तीसगढ़ राज्य वालों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ रहेगी ये, तो सभी लोग जाएं फॉर्म भरें और इस जॉब को लें। मैं आपसे मिल रहा हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।